नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम सूरत मौर्य है। जैसा कि आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो देखी थी और उसमें आप लोगों के कमेंट्स आए, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, उसके लिए आपका आभारी हूँ मैं। और आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देने के लिए मैं आज स्वयं कैमरे के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक है राम सूरत जी, मैं आज आपका भी स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए मेरे बुलाने पे। मुझे मैं ये अपने व्यूवर्स को, अपने जो चैनल में मेरे सब्सक्राइबर हैं ये, और जो लोग हैं जो आपको हेल्प एंड सपोर्ट करना चाहते हैं, मैंने उनके लिए ही आज आपको बुलाया है और उन्हीं के सवाल आप आज मैं आपसे पूछूंगा। एक्चुअली देखिए, सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आपने गाड़ी की इस तरह हालत क्यों बनाई, इसका थोड़ा जवाब आप हमें दीजिए। सर बिल्कुल, हम इस बात का जवाब देना चाहेंगे कि गाड़ी की हालत हमें इस तरह की बनाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि हम इस गाड़ी से काफ़ी दुखी हो गए थे और शोरूम के सामने काफ़ी बार 30 से 40 बार उनको दिखाया और उसकी समस्या को ठीक नहीं कर पाए, हमें टरकाते रहे। और गाड़ी की नंबर एक कमी जो थी, सबसे पहले वो पेट्रोल के ऊपर की थी और मिस फायरिंग होता था जिसका एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट माना जाता है और वो उसको ठीक नहीं कर पाए। मिस फायरिंग किस तरह से थी, क्या गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती थी, थोड़ा उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं। जी बिल्कुल, गाड़ी चलती है, रास्ते में चल रही है और ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी स्लो होती है, उसमें मिस फायरिंग ज़्यादा करती थी और बंद हो जाती थी गाड़ी। और बार बार स्टार्ट करने से सवारी को परेशानी होती थी, सवारी बोलती थी भैया गाड़ी ठीक क्यों नहीं कराते, गाड़ी रिपेयर क्यों नहीं कराते, आप ऐसी गाड़ी रखते हैं। और कहीं भी सवारी उतर के जब उसको अच्छा नहीं लगता था, गाड़ी झटके लेती थी और सवारी को भी झटका लगता था और सवारी कई बार नाखुश होकर के हमें अपशब्द कह के भी चली जाती थी। अच्छा ठीक है, आप इस दौरान जब ये आपको समस्याएं आ रही थी, लगभग कितने दफ़े आप हुंडई वर्कशॉप में गए और को उन्हें कॉन्टैक्ट किया? पूरे साल के अंदर हमने 30 से 40 बार शोरूम के अंदर गाड़ी लेके गए हैं और वो हमें टरकाते रहे। अगर उनसे नहीं हो सकता था तो उन्होंने हमें ये भी एडवाइस नहीं दिया कि आप हमारे किसी दूसरे शोरूम में जा करके दिखाएं, और मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी कि हम किसी और शोरूम में इनके सिवा दिखाएं, क्योंकि जब तक गारंटी इनके पास थी गाड़ी हमने इनके शोरूम से ली थी। राम सूरत जी, हमारे व्यूअर्स हमेशा से ये जानना चाह रहे हैं जब से ये वीडियो अपलोड हुई है कि आप कंज्यूमर कोर्ट या किसी भी कोर्ट में क्यों नहीं गए, इसका थोड़ा आप जवाब दीजिए हमें। सर बिल्कुल, कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता हम जानते थे लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये थी पैसे को लेकर के, और जो भी पैसे हमारे पास थे शोरूम वालों के पास जा करके वो पैसे हमारे खर्च हो गए और हमें कर्जे लेकर के भी हमने शोरूम में उस गाड़ी के ऊपर पैसे लगाए, लेकिन उसके बाद भी हमारी गाड़ी ठीक नहीं हो पाई और ना ही कमा के दे पाई और ना ही ठीक चली, और हमारे पास अपनी रोटी खाने तक के लिए पैसे मुश्किल से हो पा रहे थे कर्ज लेकर के भी। किसी तरह से हम अपना दो बच्चे और मियाँ बीवी खुद प्लस किराए का घर, इसका बड़ी मुश्किल से हम चला पा रहे थे, तो हम कोर्ट कैसे जाते हैं। अभी आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? आर्थिक स्थिति हमारी इस समय बहुत ही खराब है सर, कर्जे में डूबे हुए हैं और किराए की गाड़ी है, और हमारी समस्या को देखते हुए हमारी बीवी भी थोड़ा बहुत काम करके कुछ अर्जित करने लगी ताकि रोजी रोटी यानी रोटी ठीक से चल सके, इसके लिए हमारी वाइफ ने भी हमको सपोर्ट किया। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि बेसिकली वो दो चार कमियां क्या थी। एक तो आप बता रहे हैं कि इंजन मिस फायर करता था जी, जिस वजह से आपकी सवारी तक आपको छोड़ के चली जाती थी। दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या बैक गियर शिफ्टिंग को लेकर के थी जो कि रुक कर काम करता था। अच्छा ठीक है, तो इस संबंध में आप जिस वर्कशॉप में जाते थे, आप किस वर्कशॉप में जाते थे? एक वर्कशॉप में जाते थे जिसका नाम है सफदरजंग मोटर्स उद्योग विहार फेस फोर गुड़गांव हरियाणा। ठीक है, तो उनका क्या कहना था? उनका कहना ये था कि हम करके देते हैं और फिर दोबारा से 10 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी फिर प्रॉब्लम में आ जाती थी और 5 किलोमीटर ट्राई लेकर के कभी 2 दिन कभी 1 दिन वो अपने यहाँ गाड़ी रख करके हमें टरकाते रहे। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है आपकी कमाई का बहुत लॉस हुआ होगा। जी बिल्कुल लॉस हुआ है और शुरू में हमारे पैसे भी लगे हैं, लॉस ठीक है काफी। अब चलिए हम आते हैं आपकी गाड़ी के हालत के ऊपर, ऐसी क्या मजबूरियां रहीं कि आपने अपनी गाड़ी की जो हालत थी वो इस तरह से बना दी? गाड़ी काटना
एक बहुत ही अलग तरह का डिसीजन है। ये मुझे नहीं लगता कि हम व्यूवर्स में से या मेरे में से कोई भी ऐसा होगा जो इतनी हिम्मत उठाएगा कि वो अपनी खुद की संपत्ति खुद ही समाप्त कर दे। एक तरह से काटना समाप्त करना ही है। जी बिल्कुल, तो ये ऐसी क्या इसके बारे में हम कहना चाहेंगे लोगों से कि हमारी ये अलग गाड़ी काटने की नौबत इसलिए पड़ी क्योंकि हम इस गाड़ी से काफी दुखी हो गए और इससे हमारी कमाई नहीं होती थी, उल्टा हमारा नुकसान होता था और शोरूम वालों के सामने हम काफी कुछ कह करके बोल करके छोटे से बड़े को वो हमारी सुनवाई नहीं कर सके और जिसके कारण हम इस गाड़ी में जब कमा नहीं पाते थे उल्टा हम इसमें और पैसा लगाते थे दूसरों से लेकर के। आपने लगभग वारंटी में कितने पैसे लगाए? वारंटी में हम 70 से 80 हज़ार रुपये के करीब लगा चुके हैं वारंटी पीरियड में। क्या कंपनी को आपने नहीं बोला कि ये क्या हो रहा है, वारंटी में तो मुझे मैंने पैसे कई देने बार हैं? कहा तो बोले नहीं, पार्ट्स के जो डलेंगे उसके तो पैसे लगते हैं, इन पार्ट्स की वारंटी नहीं होती, इंजन की वारंटी होती तो इंजन में तो आप बता रहे हैं कि मिस फायर की प्रॉब्लम थी, तो है। जी उन्होंने मिसफायर की प्रॉब्लम थी, पहले बार जब हुआ था तो उन्होंने कहा इंजन में पानी चला गया जबकि उन्हीं के सर्विस सेंटर से गाड़ी की धुलाई हुई थी, तो इंजन में पानी क्यों गया ये कंपनी ठीक है। वालों को पता और चला। जो दूसरी बार, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 40 से ज्यादा बार आप जा चुके हैं, जी तो और सब बारी क्या क्या कहते रहे वो? वो यही कहते हैं कि हमने कर दिया, हमने चेक कर लिया है और कभी जो है सीएनजी वाले को बुलाते हैं कभी खुद करते हैं तो समस्या है लेकिन हमारी ठीक नहीं हुई। 4 बार उसके पलक चेंज हुए साल में, आप किसी चीज के 4 बार इंजन के पलक चेंज कर रहे हो तो आपको ये चीज जांच करनी चाहिए थी उन लोगों को कि पलक क्यों चेंज हो रहे हैं बार बार, उन्होंने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया और हमें धोखे में रखा। आपको धोखे में रखा, ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई है। एक चीज और बताएंगे आप मुझे कि ये गाड़ी काटने वाला जो डिसीजन है वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसी क्या परिस्थिति थी कि आपने खुद की ही गाड़ी खुद काट ली? जी परिस्थिति ये थी कि हम चारों तरफ जा करके शोरूम से भी कह करके अपनी तरफ से भी हम हार चुके थे और हारने के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हम अगर ये गाड़ी कूड़े के काबिल है तो हम इसको कूड़ा बना के छोड़ेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि ये गाड़ी कूड़े के काबिल है और ये हम इसमें कूड़ा कर देंगे इसको, और अपनी ही संपत्ति को हमने अपना ही नुकसान किया, किसी दूसरे की संपत्ति को नहीं नुकसान पहुंचाया और साथ में पब्लिक तक ये संदेश है हमारा कि दूसरा भाई हमारी इनकी कंपनी की गाड़ी को लेकर के इस तरह के हालात उसके पास ना पैदा हो। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने किसी और की संपत्ति, या आप चाहते तो शोरूम में भी जाके कुछ प्रॉब्लम कर सकते थे लेकिन आपने, लेकिन नहीं, हम किसी की संपत्ति दूसरे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो आप अपना रोष विरोध प्रकट करने का आपने बहुत ही अलग तरीका जी निकाला। बिल्कुल, मैंने अपना विरोध प्रकट करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आप जो भी आपके सपोर्टर्स हैं या जो व्यूवर्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आप उन सब के लिए क्या शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, करना चाहेंगे जिस जिन जिन लोगों ने जो भी हमारी वीडियो देखे हैं उन सबका और जो हमारे साथ जुड़े हैं सपोर्ट किए हैं, हम उन सबका आभार व्यक्त करते हैं और कामना करते हैं आगे भी वो हमारे फेवर में रहेंगे, हम उनसे बराबर संपर्क में रहेंगे और उन्हीं सबके कमेंट्स का जवाब देने के लिए आज हम कैमरे के सामने आए हुए हैं। ठीक है, इस वीडियो को चलते इतना वक्त हो गया, लगभग 7 महीने हो गए इस वीडियो को चलते हुए, जी क्या बिल्कुल। आपको कभी भी कंपनी से किसी भी तरह का कोई रिस्पांस मिला? नहीं, कंपनी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, हुंडई के किसी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव या किसी भी हेड का फोन मेरे पास नहीं आया, बल्कि अलग अलग शोरूम के हुंडई के शोरूमों से मुझे फोन कॉल्स आई कि भैया आप ये वीडियो बंद करा दो, लेकिन हमारी मदद के लिए कोई अपने कदम नहीं बढ़ाया और ना ही उठाया। वीडियो बंद कराने के लिए मुझे अलग अलग हुंडई के शोरूमों से कॉलें जरूर आई हैं लेकिन मदद के लिए कोई हमें सपोर्ट नहीं मिला। मदद के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिली आपको, जो कि बहुत ही दुख की बात है। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी आप जो चाह रहे हैं वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली? आप हुंडई से क्या इच्छाएं रखते हैं कि क्या हुंडई आपके लिए क्या करें? अगर कोई ये वीडियो अगर किसी हुंडई के बहुत टॉप लेवल के अधिकारी तक पहुंच रही है जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? जी हमारी हुंडई के टॉप लेवल अधिकारी या जो भी हमारी वीडियो देखते हैं और जो हमारी मदद करना चाहते हैं, मेरी उनसे विनती है, प्रार्थना है कि हमें हमारी रोजी रोटी जो कि हमारा जीवन शैली का आधार था वो खत्म हो गया है और उस पे हमारा सहयोग करें और उसको वापस देने में हमारी मदद करें। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है।
अभी आप कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्या अभी गुजारे कैसे चल रहा है आपका गुजारा, आपके परिवार में कौन कौन है थोड़ा ये भी बताइए। परिवार में हम चार लोग हैं प्लस माँ बाप हैं, छह लोगों का परिवार है। माँ बाप हमारे गांव में रहते हैं और दो बच्चे और मैं अभी भी हम शहर में किराए के मकान में रहते हैं। तो अभी गुजारा कैसे चल रहा है? सब खाने की समस्या बढ़ने लगी, दवाई की समस्या बढ़ने लगी, रोटी की समस्या आने लगी, तो हमने सोचा कि ऐसे तो हम रह नहीं पाएंगे। भाड़े की समस्या आने लगी तो हमने किराए की गाड़ी ढूंढी, बड़ी मुश्किल से वो भी मिली और वो भी बहुत कम पैसे मिलते हैं हमें, मुश्किल से उससे गुजारा हो पाता और कर्जा हमारे ऊपर चढ़ता गया। अभी ऐसे चल रहा है। फिर उसमें हमारी बीवी भी थोड़ा, जबकि वो हाउसवाइफ थी लेकिन हमारी मजबूरियों और समस्याओं, घर की समस्या को देखते हुए उसने भी कुछ काम करने की सोची, तो उसको सिलाई का ज्ञान था तो थोड़ा बहुत वो करके और थोड़ा बहुत हम किराए से कमा के दोनों मिल के अपना गुजारा अपन कर रहे हैं। लेकिन साथ में हमारे पास कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जा हो भी चुका है काफ़ी। चलिए मैं समझ सकता हूँ इस बात को, ठीक है। अभी आप जो है सभी दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं? हमारी वीडियो जो हमारे भाई लोग देख रहे हैं और जो हमारी मदद करना चाहते हैं और इंसानियत के नाते, क्योंकि मैं एक बहुत गरीब खानदान से हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दूसरी अपनी रोजी रोटी बना सकूँ, मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वो आगे इसको पहुँचाएँ कंपनी तक, और उनसे मेरी प्रार्थना की पुकार करें कि इनकी रोजी रोटी वापस दी जाए और मुझे कुछ लीजिए। वेरी गुड, आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, वो जो गाड़ी आपने ली थी क्या आपने कैश डाउन में ली थी, क्या आपने उसके लिए कोई कर्ज लिया था गाड़ी लेने के लिए? जी बिल्कुल सर, कर्ज लिया था हमने गाड़ी लेने के लिए, सिंडिकेट बैंक से हमने फाइनेंस कराया था। ओके, और जो डाउन पेमेंट होती है मिनिमम 15-20% वो हमने कैश दिया था। ओके ठीक है, तो चलिए हम आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो है मैं अपने सारे व्यूअर्स से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखिए, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आज इनके पेपर्स भी आए हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं अपलोड भी कर देता हूँ, साथ ही साथ इस वीडियो के साथ अपलोड भी कर देता हूँ। इनके पास बहुत सारे पेपर्स हैं जो कि ये ऑलरेडी लेके आए हुए हैं। राम सूरत जी, उसके बारे में बताएंगे आप क्या क्या लेके आए हैं, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। मैं चाहूंगा कि आप कैमरे के सामने ही दिखाएं। सर जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हम 30 से 40 बार शोरूम के सामने जा चुके हैं और उनसे विनती कर चुके हैं कि हमारी समस्या, गाड़ी में जो समस्या है उसको दूर किया जाए, लेकिन वो नहीं करें। उसके तब उसमें जो है ये हमारे पास बिल्स हैं उनके शोरूम की तरफ से। आप एक एक करके क्या कैमरे के सामने एक हाथ से दूसरे हाथ में लेते हुए दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, और 30 से 40 बार जो हम गए हैं, करीब 25 से 30 बिल हैं ये हमारे पास जो कि शोरूम के दिए हुए हैं। और ये वारंटी के टाइम के हैं? और ये सारे बिल वारंटी के टाइम से हैं और इसके दरमियान भी हमने 70 से 80 हज़ार रुपये हमसे लिए गए हैं जो पार्ट्स चेंज किए उन्होंने, और कंपनी ने 4 बार प्लग और प्लग की वायर चेंज की है, और एक इंजन में अगर प्रॉब्लम आती है तो 4 बार प्लग चेंज करने का मतलब ही नहीं होता, और अगर 4 बार प्लग चेंज हो रहा है तो उसकी जांच क्यों नहीं की कि किस कारण से प्लग इंजन खराब कर रहा है और उसकी जांच क्यों नहीं की, मिसफायरिंग क्यों हुई। ठीक है, चलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, और अब हम आगे अपने व्यूअर्स का सपोर्ट चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को हो सके तो हुंडई के टॉप लेवल तक पहुंचाए। और एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो ईमेल्स करवाए थे, जैसा कि आपने बताया था, आप खुद ही बताएं इस बारे में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईमेल के बारे में हम बताना चाहेंगे, जैसा कि हमें उतना ना तो कंप्यूटर चलाना आता है और ना ही हम उतना पढ़े हैं, तो हम इस बीच अब जो हमारे संघ थे चालक शक्ति संघ के, मेल उन्होंने किए। ओके, मेल उन्होंने किया, तो क्या उनका उसका कोई रिस्पॉन्स आया, कोई जवाब आया? नहीं, मेल का भी रिस्पांस उन्होंने नहीं दिया। और आप फाइनली कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? फाइनली ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, इनके माध्यम से ही मैं कंपनी को ये बात पहुंचाना चाहता हूं और अपनी रोजी रोटी के लिए ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे रोजी रोटी मिल जाएंगे तो हमें लड़ाई नहीं करनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।